सुपर स्क्रिप्ट क्या करेगा चीजों को, जैसे सुपर स्क्रिप्ट में सुपर स्क्रिप्ट का एग्जांपल हो जाएगा, टू टू द पावर एन लिखते हैं, टू टू द पावर मतलब पावर का जो होता है, मतलब ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, जो मेन होगा कंटेंट उसके सिर पे आ जाएगा। दूसरे सब स्क्रिप्ट का जो है, सब स्क्रिप्ट का क्या होगा, ओ टू लिखते हैं, सी ओ टू लिखते हैं, वो नीचे आ जाएगा, बस इसका इतना ही काम। तीसरा टाइम मैंने बताया मार्क टैग, एम आर के डी, ये क्या होगा, मार्क आएगा, सॉरी एम आर के मार्क, इसका बाय डिफॉल्ट जो कलर आएगा, जो भी हमारे यहाँ मैसेज लिखा होगा, मैसेज ये क्लोज होगा येलो कलर से लिखा है, इसका जो बाय डिफॉल्ट जो कलर आएगा इसका वो येलो आएगा। इसको रन कीजिएगा तो बड़ा मजा आएगा, मैंने पहली बार रन किया तो बोला वाओ सबसे अलग यही दिख रहा था, मतलब जितना देर मैंने मार्क लगाया जो मैसेज मैंने डाला मैनेजर से, फिर माई इंस्टीट्यूट नेम इज, या फिर टुडेज टॉपिक इज एस टी एम एल वगैरह वगैरह, जो भी मैंने डाला मार्क यूज़ किया, मार्क कलर यूज़ किया, उसका येलो कलर हो गया, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा था, अच्छा लगा। और मोनोस्पेस, तो मोनोस्पेस मैंने बताया, तो मोनोस्पेस में कुछ है नहीं, वो अपने को दिखता है नहीं, वो टेक्निकल नहीं है। दूसरा मैंने बताया क्या बताया था, स्ट्राइक, इसकी आई गई, तो स्ट्राइक भी वही है, जो भी अपना कंटेंट लिखा हुआ जिससे आइस प्राइस कभी डाउन जाता है तो कभी अप जाता है, तो उसके लिए अभी हमारा शो कैसे रिजल्ट कैसे प्रिंट कैसे करेगा, आर एस टू हंड्रेड इसको स्ट्राइक कर देगा, ये हमने स्ट्राइक करके नहीं लिखा है बट ये स्ट्राइक कर देगा, जो भी मैसेज हम डालेंगे, अगर मैंने सिर्फ सिंपल मैसेज लिख दिया तो उस मैसेज को भी कैसे प्रिंट करेगा, मैसेज को बीच से ऐसे बस यही लिखा होगा, हाँ स्ट्राइक। और कुछ मैंने बताया, लार्ज तो सिंपल है उसका, बस बिग है, बिग में जो भी कंटेंट को थोड़ा सा लार्ज करना है उसको लिख दीजिए, बिग हो गया, लार्ज हो जाएगा। अगर मैसेज के बीच में बिग करना पड़ेगा, नहीं नहीं जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि आप वो बता दें ना बोल्ड करने का तरीका, हाँ ही इज, मैंने लिया ही इज LARGER लार्जर देन मी, ये मैंने लिया, तो इसमें मैं अगर टैग यूज़ करना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब जरूरी नहीं कि यहीं पर मैं कहीं भी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे बिग लिखेंगे और यहाँ पे क्लोज करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा, और लिखो आई एम स्मॉलर देन हिम, मैं उससे छोटा हूँ, तो यहाँ पे मैंने बिग यूज़ किया था, अगर स्मॉल में स्मॉल यूज कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, जितना भी जो डाटा है स्मॉल जो होगा, स्मॉलर जो वाला डाटा जो है वो स्मॉल करके शो करेगा, दूसरों से स्मॉल करेगा। हाँ देखिए मल्टीपल कैसे, मल्टीपल टैग एक ही साथ कैसे यूज़ करते हैं, मैंने स्मॉल यूज़ किया, अब मैं चाहूँगी जो हमारा स्मॉल वाला पार्ट है वो बोल्ड भी होके दिखे, तो मैं बोल्ड भी यूज़ कर लूँगा, बोल्ड टैग मैंने यूज़ कर लिया, अब ये बोल्ड भी शो होगा, बोल्ड भी होगा, हाँ अगर मैं मार्क कर लेता हूँ, एक ही साथ मल्टीपल टैग यूज़ कैसे करेंगे, अगर मैं मार्क कर लेता हूँ तो ये अब क्या होगा, ये येलो शो होगा, हाँ मार्क का डिफॉल्ट, मार्क का क्या होता है मैंने बताया ना, इसका जो डिफॉल्ट कलर होता है येलो होता है, तो इसका कलर येलो होगा, दूसरे कंटेंट से छोटा होगा और बोल्ड होगा। अब मैं चाहूँ इटैलिक भी हो जाए तो इटैलिक का भी टैग यूज़ कर लूँगा, बस मल्टीपल टैग यूज़ करते चले जाएंगे, जो भी हमको टैग यूज़ करना होगा, ये बढ़िया था, हाँ ये बढ़िया था, चलिए नोट कर लीजिए।